स्वतंत्रता संग्राम योद्धा क्रांतिवीर सचिंद्रनाथ बख्शी का जन्म 27 दिसंबर 1900 को वाराणसी के बंगाली परिवार में हुआ था। कुशाग्र बुद्धि के छात्र सचिंद्र पर राष्ट्रीय आंदोलन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि 1921 में इंटर की परीक्षा देने के साथ ही वह आंदोलन में कूद पड़े। 1922 में वाराणसी में अनुशीलन समिति की शाखा खुलने पर उससे जुड़ गए। थोड़े समय में ही समिति का कार्य इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे लग गई, तो सचिंद्र ने लखनऊ को केंद्र बना लिया। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनने पर बख्शी जी ने लखनऊ और बनारस में संगठन खड़ा करने के बाद झांसी में उसका विस्तार किया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में रेल रोककर ब्रिटिश खजाना लूटा गया। अभियान के समय बख्शी जी अशफाक और राजेंद्र लाहिड़ी सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे। अशफाक और लाहिड़ी को रेल रोकने तथा बख्शी जी को गार्ड को कब्जे में रखना था। अभियान सफल हुआ, खजाना लूटा गया और ब्रिटिश शासन बौखला गया। जंगलों में सघन छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां और बख्शी को छोड़कर अन्य सबको पकड़ लिया। मुकदमा चला। पुलिस तीनों क्रांतिकारियों की तलाश करती रही। आजाद तो आखिरी सांस तक आजाद रहे और 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस संघर्ष में बलिदान हो गए। अशफाक दिल्ली और बख्शी जी 1927 में भागलपुर में पकड़े गए। इन पर काकोरी कांड का दूसरा मुकदमा चला। अशफाक को फांसी और बख्शी जी को आजीवन कारावास की सजा मिली। बंदियों को सुविधाएं देने के लिए बरेली जेल में इन्होंने 53 दिन का ऐतिहासिक अनशन किया, जिसमें मन्मथनाथ गुप्ता और राजकुमार सिन्हा भी साथ रहे। आजादी के बाद बख्शी जी ने 1969 में बनारस से विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन 1975 में सक्रिय राजनीति छोड़ संस्मरण लिखने लगे। उनकी पुस्तक क्रांति के पथ पर क्रांतिकारी आंदोलन का दस्तावेज है। सुल्तानपुर में रहते हुए 23 नवंबर 1984 को उनका निधन हो गया।